ओम शांति। आज आपका 145वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और आज के वरदान में परमात्मा हमें अपने बंधनों से मुक्त करने का तरीका बताते हैं और ये समझाते हैं कि मुझसे अगर तुम्हें योग लगाना है, मतलब कि मुझसे जुड़ना, योग का मतलब होता है संबंध जोड़ना, अगर मुझसे योग लगाना है तो तुम्हें अपने शरीर के नाते वाते सब चीज़ों को बुद्धि से भुलाना पड़ेगा और अपने आइडेंटिटी को उस चीज़ों से मेल नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि आपको अपनी आइडेंटिटी को एक आत्मिक स्वरूप से जोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम अपने शरीर और शरीर की प्राप्तियों से इन सारी आइडेंटिटीज को जोड़ते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते क्योंकि हम मैले हो जाते हैं। तो देखिए आज बाबा कहते क्या हैं इस वरदान में गहराई में। बाबा कहते हैं देह के भान को अर्पण कर, देह का बान। हम आए थे ना कुछ लेके ना जाएंगे कुछ लेके, लेकिन फिर भी हम सब कुछ कहते हैं ये मेरा वो मेरा वो मेरी ये मेरी वो मेरा। परमात्मा कहते हैं कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम कुछ समय के लिए बस इस धरती पर आए हो एक्टिंग करने के लिए, और जब तक इस धरती पर हो तब तक तुम अपने आप को आत्मा समझ करके, शरीर भी मेरा नहीं, शरीर को सिर्फ मैंने लोन में लिया है कर्म करने के लिए, तो सब कुछ भूलता जाएगा। शरीर को मैं मानने से ये सारी चीजें मेरी, तो लोभ आता है, दुख होता है कुछ चीज का, कुछ खोने से, धन खोने से भी दुख होता है, धन लूट जाने से दुख होता है, चीजें खोने से दुख होता है, शरीर को कुछ हो जाए, बीमारी आ जाए तो दुख होता है। परमात्मा कहते हैं ये तो तुम्हारा लोन लिया शरीर है, इस शरीर को प्रॉब्लम हुई है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बाबा देखें और क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं देह के भान को अर्पण कर, समर्पण होने वाले, समर्पण मतलब इसमें परमात्मा की सोच, परमात्मा की गाइडेंस में समर्पण होने वाले, योग युक्त मतलब परमात्मा से जुड़ पाएंगे तभी, और बंधन मुक्त भव। बंधन क्या है? बंधन हमने बनाए हुए हैं अपने मन के अंदर, हमने अटैचमेंट्स रखी हुई चीजों से, लोगों से। तो अटैचमेंट्स छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को छोड़ दो या चीजों को छोड़ दो। परमात्मा कहते हैं इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए, जैसे आप एक होटल में जाते हो, होटल में चीजों को इस्तेमाल करते हो, थोड़ा पैसा देते हो, लेकिन आप ये नहीं कहते ये मेरा वो मेरा ये सब कुछ मेरा, आप उन चीजों से अपना अटैचमेंट नहीं रखते। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि ये भी आप दुनिया आपके लिए एक होटल है, चीजें आप इस्तेमाल करो लेकिन मेरा मेरा मत करो। तो लोग आज धरती के लिए, लैंड के लिए लड़ते हैं, लोग आज धन के लिए लड़ते हैं, एक एक इंच की दूरी के लिए लड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये जो लड़ाई है ये आंतरिक लड़ाई है, आप अपने आप को जितना कमजोर बनाओगे उतना मुझसे आप जुड़ नहीं पाओगे। तो परमात्मा कहते हैं उन चीजों को छोड़ो, भूलो, वो कुछ आपके साथ जाने नहीं वाली है, बस मेरे साथ में जुड़ो ताकि आपके जो कर्म है वो बुरे कर्म मिटे और अच्छे कर्म बनते जाए और आप पवित्र बनते जाओ और जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं तो आखिर में मेरा मेरा करते रहोगे तो परमात्मा याद नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं विस्तार में देखें, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। तो अगर आपके अंदर देहंकार है, अगर आप हर चीजों से अलगाव रखते हो, ये मेरा वो मेरी ये सारी चीजें मेरी, मैंने ये किया, मैंने ये सर्टिफिकेशन पाए, मैंने ये उपलब्धियां पाई अपने जीवन में, मैंने ये सब इतना सब कुछ किया, मेरे को इतने वर्षों का मेरे को एक्सपीरियंस है सारी चीजों का, तो बाबा कहते हैं कि ये सारी चीजों अगर अभिमान है तो फिर आप सिर्फ अभिमानी दिखाई दोगे, आप किसी के लिए भी कोई एक लीडर जैसे आप दर्पण नहीं बन पाओगे कि लोग आपको फॉलो कर पाए। परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊं ना कि बोल के दिखाऊं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है, तो वैसे ही देह अभिमान को जब हम अर्पण करते हैं कि ये मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा, बाकी और कोई नहीं, क्योंकि कोई है नहीं अपना देखा जाए तो, इसमें कोई दुख लेने की बात नहीं है और ना ही किसी से घृणा करने की बात है। कहने का मतलब क्या है, हर कोई आत्मा अपना अपना कर्म करने के लिए आई है, अपना भाग्य लेके आई है और अपने कर्म अनुसार अपना भाग्य को वो निभा रही है, उस भाग्य के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो उसमें अगर हम किसी को कहें कि वो सेल्फिश है, अगर हम किसी को कहें कि वो मतलबी है, हम किसी को कहें कि वो कभी किसी के बारे में सोचता है या सोचती नहीं है, उसे अपने बारे में, परमात्मा कहते हैं हर आत्मा कलयुग में थकी हुई है और उसको पूरा राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे और संभाले। उसी तरीके से हमारा भी राइट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को मतलब अपने मन को प्रोटेक्ट करें, ताकि हमारे मन के अंदर कोई भी गलत विचार ना चले किसी के बारे में भी, ना ही अपने बारे में भी। तो परमात्मा कहते हैं ये चीज़ों को जब आप त्याग देते हो, मेरा तेरा इन सारी चीज़ों को, तो वो चीज़ को वापस नहीं लिया जाता, उसको त्याग दिया जाता है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है, ना देह से लगाव, ना देह को कुछ हुआ तो उससे दुखी हुए, ना देह की चीजों का नुकसान हुआ तो उससे कुछ दुख हुआ आपको,
वो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम समय में जब शरीर छोड़ते हैं तो यही चीज़ें याद आती हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, ये मेरा वो तेरा, ये मेरी वो तेरी, मेरे गहने मेरे, ये सब कुछ वो सब कुछ, धन मेरा ये, बैंक अकाउंट मेरा, तो ये सारी चीज़ें आपको दुख देंगी लास्ट में। तो इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको होटल जैसे ही इस्तेमाल करना है और मेरापन नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तो ऐसे अर्पण समर्पण होने वाले, तो ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त, योग युक्त मतलब जो इन चीजों से इतना लगाव नहीं रखते, वो परमात्मा से योग युक्त मतलब जुड़ना जुड़े रहते हैं, उनको युक्ति आ जाती, तरीके आ जाते हैं कि मुझे कैसे अपने आप को इन चीजों से किनारा करना है, इस्तेमाल करना है, लेकिन लगाव में फंस करके परमात्मा को भूलना नहीं है। और बंधन मुक्त रहते हैं, बंधन हम खुद ही बनाते हैं अपने जीवन में, ये मेरा वो तेरा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वो वैसे नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं छोड़ दो, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा की अपनी बुद्धि है, हर आत्मा अपने संस्कार लेके आई है पिछले जन्मों के, उसको कोई एक पर्टिकुलर चीज को करने का अपना ही तरीका आता है, आप अपने तरीके से करिए, वो अपने तरीके से करें, उसमें नुकसान हो फायदा हो तो उसमें आपको स्थिर रहना है, वो नुकसान फायदे को देखते हुए आपको ना चिड़चिड़ापन लाना है, ना ही किसी को गुस्सा करना है, ना ही किसी से आपको गुस्सा होना है। तो परमात्मा कहते हैं और बंधन मुक्त होते हैं, तो इन बंधनों से मुक्त हो। तो बाबा कहते हैं उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है, उनको ये सारी चीजों से जब लगाव नहीं होता तो वो समझ करके सोच करके बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं। तो उनका जो हर कर्म होता है वो युक्ति युक्त होता है, मतलब डिप्लोमेटिक होता है। डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं कि मेरा फायदा हो औरों का फायदा ना हो, कैसे मैं औरों को इस्तेमाल करूं, वो डिप्लोमेसी नहीं। डिप्लोमेटिक मतलब आप हर कर्म बिल्कुल पवित्र कर्म करते हैं जिसमें सबका भला हो जाता है, उसको कहते हैं युक्ति युक्त। तो हाईएस्ट डिप्लोमेसी परमात्मा सिखाते हैं ज्ञान दे करके। तो आज का ये वरदान, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, ओम शांति।